जी पाकिस्तान टुडे में मैं हूं चौ तारक अली। आज सबका वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में तोशा खाना का जो फैसला सुनाया गया है, इस वक्त हमारे साथ पाक वतन की कुछ आवाम मौजूद है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। हाँ जी, सुनने चाहिए कि इमरान खान को सज़ा हुई है, ये तो बड़ी जल्दी हो जाना चाहिए, सी बड़ी लेट हुई है साढ़े सात तक, क्योंकि शेर शेर है और नून लीग जिंदाबाद है, इंशाल्लाह आएगा और अच्छा मुल्क वास्ते अच्छा सोचेगा, अच्छा बनाएगा। लोगों ने गल्ला बनी हैं जी, इमरान खान इंज करता इंज करता, बहुत दलील किया लोगों ने जी। सबके साथ ज्यादा है ये, यानी कि उन्होंने 10 साल के लिए जो कैद की है झूठे केसों में, एक ख़त्म होता है दूसरा बना देते हैं, और जो हमारे ये बीबी हैं बुशरा बीबी, उसको भी साथ में 14 साल की कैद की है और 14 साल की और हो गई है खान साहब को। कोई नहीं, इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को हम सुरखरू होंगे और इंशाल्लाह जुल्म का बदला वोट से देंगे जी। बहुत अच्छा हुआ खान साहब को जो सज़ा मिली है, आज जैसी करनी वैसी भरनी है, जो जो सज़ा मिली है, जो खान साहब ने जो जैसा किया है इसी से डबल होनी चाहिए थी। ये अभी सज़ा कम मिली है हमारे मुताबिक, कम अज़ कम उम्र कैद होनी चाहिए थी जितना ये खान साहब ने लूटा है मुल्क को। ये सज़ा तो वक्ती है, चंद दिन है इलेक्शन के, इनके बाद ये माल माल ख़त्म हो जाएंगे। पहले भी होती थी सियासतदानों को, अब भी हो रही हैं, चंद दिन है इलेक्शन के, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। ये तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा, हमेशा ही ये चलता रहा है और हमेशा ही इसी तरह चलता रहेगा। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ना ये लोग सुधरेंगे ना ये सियासतदान सुधरेंगे। खान खान ने जी 10 साल की सजा सर कह रहे हैं ना, ये जुल्म है। कम अज़ कम जिन्नी देर तक इलेक्शन ही ना होते सर, उन्होंने रिहा करना चाहिए सी, इलेक्शन लड़ते, उस तो बाद चाहे उन्होंने 100 साल की सजा सुना देंगे, लेकिन इलेक्शन के टाइम उन्होंने बाहर कटते, मुकाबला दोनों के बराबरी का होंगे, वो कैद में है, तुम इलेक्शन कह रहे हो रहे हैं तो कैद से रख के उन्होंने की तुम इलेक्शन जित लोगे, जीते भी गए तो कहीं जीते, जिन्हें एक बंदा दूसरी पार्टी का कैद किया है, आप इलेक्शन लड़ रहे जी। लिहाजा इमरान खान रिहा करके इलेक्शन कराओ, फिर तुम दसा इंशाल्लाह जित इमरान खान की। हाँ जी, जो सजा हुई है बिल्कुल ठीक हुई है, इन्हें होनी चाहिए थी क्योंकि इन्होंने धांधली ना लाए थी, तो चोरी सारा कुछ इन्होंने किया है, जिस वजह तो इन्होंने सजा हुई है, तो बिल्कुल ठीक फैसला है। जी सजा हुई थी 10 साल की, अज 14 साल की हुई है, बुशरा बीबी भी 14 साल की हुई है, ये सही होया, जो भी होना सी ये सही होया जी, गलत होया। ये सजावें इवें दी जाते हैं, अपने आप को मजबूत करी जाते हैं, होर की देख लेना, इकतदार आ के देख लेना तुम ये किन्नी महंगाई करते हैं, गरीब आदमी अगे पिसया पाया होर पिस जाएगा, इन्होंने इवें करना सारा। कोई बात नहीं है, सजा हो गई है, खैर है, इंशाल्लाह खान हमारा फरवरी की एंड पे इंशाल्लाह आ रहा है। तो दूसरा ये है कि नवाज शरीफ को माशाल्लाह सजा हुई थी, ताहयात नाइल भी हुए थे, तो इतनी बड़ी आवाम को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लिया, अब आपके सामने ही है, अब इस्टेब्लिशमेंट जो भी है, वज़ीर आज़म बन रही है वो, और वो बना रही है। कल भी उसने रूनाबाद के जलसे में कहा कि भाई आपको पेशगोइयाँ मिल रही हैं ना, हाँ जी, कि भाई मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें सेट हो गई हैं, कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, आवाम ने घबराना नहीं है, इमरान खान के साथ है और इंशाल्लाह मर्दे दम तक इमरान खान के साथ होंगे इंशाल्लाह।